गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने आपको अपने पहले वीडियो में मौसम, जलवायु व भारत की जलवायु में प्रादेशिक भिन्नताएं, जलवायु नियंत्रण व भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के बारे में समझाया था। अब हम आपको बताएंगे भारतीय मानसून। ये भारतीय मानसून शब्द का अर्थ समझाते हैं हमने आपको पहली वीडियो में इसलिए नहीं समझाया था कि हमें आगे इसके बारे में आपको बताना था। बच्चों, जो ये मानसून शब्द जो है, इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है। मौसम का शब्द क्या अर्थ होता है? ऋतु से। इस प्रकार मानसून का अर्थ एक ऐसी ऋतु से होता है जिसमें पवनों की दिशा पूरी तरह से उलट जाती है। यानी कि इसका परिभाषा क्या है इसकी? शुष्क गर्म वायु को पूरी तरह हटाकर विषुवतीय समुद्री वायु का स्थल भागों तथा सागरीय क्षेत्र से 3 से लेकर 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैल जाना। अब मानसून आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि हमारी जो जलवायु है, भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी। तो हम आपको भारतीय मानसून के बारे में बताएंगे, देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि भारतीय मानसून, भारतीय जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के मध्य रहता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति हम आपको बता चुके हैं कि अरबी शब्द से हुई है। तो मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित अन्य कारण महत्वपूर्ण हैं। पहला क्या है आपका? देखिए, स्थल एवं जल के गर्म एवं ठंडा होने की प्रक्रिया के कारण भारत के स्थलीय भागों पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, वही इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर दाब का क्षेत्र बनता है। दूसरा क्या है? उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में परिवर्तन हो गंगा के मैदान की ओर खिसक जाता है। अब क्या है तीसरा? मेडागास्कर हिंद महासागर में अवस्थित है। इसके पूर्व में लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र होता है। ये भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। देखिए, ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार अत्यधिक गर्म हो जाता है, जिसके फलस्वरूप पठार के ऊपरी भाग में समुद्र तल से 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं का निर्माण होता है। आगे है, ग्रीष्म काल में हिमालय के उत्तरी हिस्से में पश्चिमी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। आगे है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित डार्विन 12 डिग्री 30 सेंटीग्रेड दक्षिण और 131 डिग्री पूर्व और ताहिती प्रशांत महासागर 18 डिग्री दक्षिण से 149 डिग्री पश्चिम के वायुदाब के अंतर की गणना कर मानसून की तीव्रता का पूर्वानुमान लगाया जाता है। हम आपको बताते हैं, यह स्थिति भारतीय कृषि के लिए हानिकारक होती है क्योंकि इससे समय पर फसल रोपण का कार्य नहीं हो पाता है। अगर ये ऋणात्मक होती है तो ये जो स्थिति है ये फसल रोपण के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है, इसमें फसल रोपण नहीं हो पाती है। अब मानसून के दक्षिणी दोलन से संबंध घटनाएं, दक्षिणी महासागरों, देखिए दक्षिणी महासागरों के ऊपर वायुदाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। सामान्य रूप से दक्षिणी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग से क्रमशः उच्च दाब और निम्न वायुदाब विद्यमान होना होता है। वायुदाब की इस नियतकालिक अवस्था परिवर्तन अथवा वायुदाब की स्थिति में उतार चढ़ाव की स्थितियों को ही दक्षिण दोलन कहा जाता है। एल नीनो दक्षिण दोलन बताते हैं। एल नीनो दक्षिण दोलन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है, यह एक गर्म समुद्री धारा है। यह पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट पर होकर बहती है। एल नीनो एक अस्थायी गर्म धारा है। तो अब आगे हम आपको बताते हैं मानसून का आगमन एवं वापसी के विषय में। मानसून का आगमन, देखिए मानसूनी पवनें नियमित नहीं है, ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती हैं। इनका समय जून महीने के शुरू से मध्य सितंबर अर्थात 100 से 120 दिन तक होता है। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है मानसून के कारण, तो यह वृद्धि लगातार कई दिनों तक जारी रहती है। इसी स्थिति को मानसून प्रस्फोट कहते हैं। अब हम आपको बच्चों आगे बताते हैं कि मानसून की वापसी क्रमिक प्रक्रिया होती है, जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में सितंबर महीने में प्रारंभ हो जाती है।
लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। यह दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। यहाँ मानसून की वापसी भी दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह के उत्तर तथा तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। अब हम आपको बताएंगे बच्चों ऋतुओं के बारे में। देखिए ऋतुएं मानसूनी जलवायु की विशिष्टता मौसमी प्रतिरूप है। किसी स्थान या भौगोलिक प्रदेश में मौसम के तत्वों तथा तापमान वर्षा आर्द्रता यथा जैसे कि है तापमान वर्षा आर्द्रता वायुमंडलीय दाब किसी एक तत्व की प्रधानता कई महीनों तक रहती है। इसी के आधार पर ऋतुओं का निर्धारण होता है। ऋतुएं आपको बता चुके हैं हम ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं। देखिए शीत ऋतु के बारे में बताते हैं। उत्तर भारत में शीत ऋतु का समय नवंबर से जनवरी माह के मध्य तक होता है। भारत के उत्तरी भाग से दिसंबर एवं जनवरी सर्वाधिक सर्दियों वाले महीने होते हैं। तमिलनाडु के तट पर वर्षा का कारण यही व्यापारिक पवनें होती हैं जिससे दिशा समुद्र से स्थल की ओर होती है। अब आगे बताते हैं हम देश के ऊपरी हिस्से में कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसी हल्की पवनें उच्चावच से प्रभावित होकर पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती हैं। तो क्या है कि यहाँ पर भी तापमान घटता बढ़ता रहता है। आगे हम आपको बताएंगे कि जो शीत ऋतु है शीत ऋतु में व्यापारिक पवनें बहती हैं और इन व्यापारिक पवनों की बहने का मेन कारण यही होता है व्यापारिक पवनें। हाँ तो बच्चों हम आपको शीत ऋतु के बारे में बता रहे थे। जो यह कम दाब वाली प्रणाली है जो भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है। ये पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है जिसके कारण मैदानी भागों में शीतकालीन वर्षा और पर्वतीय हिमपात होता है। इसी वर्षा को स्थानीय पर मावट कहते हैं। ये रबी की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापांतर नए के बराबर परिवर्तित होता है। अब हम आपको ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताएंगे। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के उत्तर दिशा में आभासी गति होती है। ऐसी स्थिति में भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की ओर खिसक जाती है। भारत में ग्रीष्म ऋतु के समय मार्च से मई महीने तक होता है। अब बताते हैं हम आपको वर्षा कभी क्या होता है बच्चों। कभी कभी तेज हवाओं में गरज के साथ मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ ही प्राय हिमवृष्टि भी होती है। वैशाख महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैसाखी कहा जाता है। दक्षिण भारत के कर्नाटक और केरल राज्य में ग्रीष्म ऋतु के अंत में सामान्यतः पूर्वी मानसून वर्षा होती है जिसे आम जल्दी पक जाते हैं। इस कारण इसे आम वर्षा भी कहा जाता है। तो देखिए बच्चों अब हम आपको बताएंगे वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। जून महीने से उत्तरी भारत में निम्न दाब की अवस्था उत्पन्न होती है। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को अपनी ओर आकर्षित करती है। भारतीय मानसून में जो वर्षा होती है ये वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं अर्थात यहाँ लगातार वर्षा जैसी स्थिति नहीं होती है। ये वर्षा रहित अंतराल आर्द्र एवं शुष्क दोनों प्रकार से होते हैं। इस स्थिति को वर्षा में विराम कहा जाता है। विराम क्या मानसून में आने वाले विराम मानसून के गर्त से संबंधित होते हैं। मानसूनी गर्त अंतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात निम्न दाब के क्षेत्र का सृजन विभिन्न कारणों से उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर खिसकता रहता है। तो तब इन भागों में अच्छी वर्षा प्राप्त होती है। जब अक्ष उत्तर की ओर चला जाता है तब हिमालय क्षेत्र में विस्तृत वर्षा होती है जो कई नदियों का जलग्रहण क्षेत्र है। आगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होते हैं। आगे हम आपको वर्षा के वितरण के बारे में बताते हैं कि वर्षा का वितरण क्या है। वर्षा का वितरण कहाँ से कैसे है। देखिए भारत की भौगोलिक विविधता एवं अक्षांशीय विस्तार वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। यहाँ क्षेत्रीय आधार पर वर्षा का असमान वितरण पाया जाता है। पश्चिमी तटीय भागों में उत्तर पूर्वी भारत के लिए 400 सेमी वार्षिक वर्षा होती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान पंजाब हरियाणा गुजरात में 60 सेमी से भी कम वर्षा होती है। दक्खन पठार के आंतरिक भागों में सहारदी के पूर्व में भी कम वर्षा होती है। अब मानसूनी जलवायु की प्रकृति कारण वार्षिक वर्षा की मात्रा में भी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। वर्षा विषमता देश के निम्न वर्षा वितरण के क्षेत्रों में अधिक होती है। कहीं बाढ़ कहीं सूखे की आशंका भी बनी रहती है। खासी की पहाड़ी श्रृंखलाओं में स्थित मोहसिन नाम विश्व में सबसे अधिक वर्षा
औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। आपको बताते हैं भारत की अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनों द्वारा गर्मियों में होती है। भारत के दक्षिणी भाग में संवहनीय वर्षा होती है। भारत की वार्षिक वर्षा का औसत 110 सेमी है, लेकिन भारत के विभिन्न हिस्सों में कई कारणों से कम या अधिक वर्षा होती है। अब हम आपको बच्चों बताते हैं कि मानसून की वापसी यानी कि परिवर्तनीय मौसम। अक्टूबर नवंबर के महीने में सूर्य की गति दक्षिण में होने के कारण मैदान से उत्तरी मैदान से मानसून गर्त या निम्न दाब गर्त स्थिर यानी कमजोर हो जाता है और इसका स्थान उच्च वायुदाब प्रणाली ले लेती है। अतः अक्टूबर महीने के शुरू में पवने जो मानसूनी पवने उत्तरी मैदान भाग से हट जाती हैं। इस प्रकार अक्टूबर नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का समय होता है। मानसून वापसी से आसमान स्वच्छ और तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का ताप उच्च जबकि ठंडी रातें जो होती हैं ठंडी होने लगती हैं। नवंबर महीने के शुरू में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं जिसके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं बच्चों प्राय विनाशकारी होते हैं। ये गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों के सघन जनसंख्या वाले डेल्टा प्रदेशों में प्राय चक्रवात आते हैं जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। इन्हीं चक्रवातों तथा आपदाओं के कारण ही कोरोमंडल तट पर भी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर जो वर्षा होती है इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों के कारण होती है। बच्चों हम आपको एक्स्ट्रा शॉर्ट पे थोड़ा सा बता रहे हैं कि मौसिनराम भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के बसा एक गाँव है। शिलोंग से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह गाँव विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहलाया जाता है। हम आपको बच्चों एक बात बताते हैं कि मुंबई में चेन्नई से अधिक वर्षा होती है और बाढ़ एक विपदा है क्योंकि अत्यधिक जल एकत्रित होने के कारण रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं और फसलों को बहुत नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अब हम मानसून और एकता का परिचायक है जो हम इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि मानसून भारत और भारतीयों के लिए एकता का परिचायक है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य के जीव जंतुओं तथा वनस्पति कृषि चक्र मानव जीवन एवं त्यौहार भी मानसून से ही संबंधित होते हैं। भारतवासी जो होते हैं प्रतिवर्ष मानसून की प्रतीक्षा करते हैं। मानसूनी हवाएं हमें वर्षा जल प्रदान करती हैं, कृषि प्रक्रिया को संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था के साथ साथ मानवीय जीवन को एक अनूठी पहचान प्रदान करती हैं और एकता को सूत्र में बांधती हैं। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप के अत्यंत ठंडी पवनों से सुरक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशीय अवस्थितियों के कारण भी उत्तरी भारत में लगातार ऊंचा तापमान बना रहता है। भारत की प्रायद्वीपीय विविधता मानसूनी जलवायु के निर्धारण और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको बहुत अच्छे से पाठ समझ आ गया होगा बच्चों। हमने आपको अपनी दूसरी वीडियो में भी काफ़ी कुछ समझाने की प्रयास किया है तो आप सभी बच्चों को ये दोनों वीडियो बहुत अच्छे से समझनी है और अपने आगे जो आपको काम भेजा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भेजे जाएंगे आप उन्हें अच्छे से अपनी कॉपी में करेंगे और उन्हें याद करेंगे।